जय माता दी बंधु, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है देशी भक्ति। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि के 2022 के भविष्यफल के बारे में, बहुत ही रिसर्च के साथ और बहुत ही समय लेकर आपके लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये 2022 का राशिफल निकाला गया है आपके राशि के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी राशि कन्या है तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी काम की बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको 2022 में क्या करना है और क्या नहीं। बंधुओं, वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप जरूर लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट करें। कन्या राशिफल 2022 के अनुसार, जनवरी माह में मंगल देव का धनु राशि में होने वाला गोचर आपको धन और आर्थिक समृद्धि देने का कार्य करेगा और इसे आप अपनी हर प्रकार की आर्थिक तंगी से निजात पा सकेंगे। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि यह आपकी सेहत में कुछ गिरावट दे सकता है यह समय। इसके बाद अप्रैल, जून और सितंबर का महीना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। ऐसे में आपको सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वहीं 26 फरवरी से मंगल देव का मकर राशि में प्रस्थान करना आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगा। इसका सबसे अधिक सकारात्मक फल कन्या राशि के छात्रों को मिलने वाला है। इस वर्ष की शुरुआत में चार प्रमुख ग्रहों शनि, मंगल, बुध और शुक्र का एक साथ उपस्थित होकर चतुर्ग्रह योग का निर्माण करना कन्या राशि के जातकों को आय के नए स्रोतों से अच्छा लाभ अर्जित करने में सफलता देगा। इसके बाद अप्रैल के अंत से जुलाई के मध्य तक शनि अपना पुनः स्थान परिवर्तन करते हुए आपका छठा भाव सक्रिय होगा, जिसे आपके और परिवार के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न होने वाले हैं। ऐसे में घर परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय मर्यादित आचरण बरते। वो जातक जो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने का सपना देख रहे थे, उन्हें सितंबर से दिसंबर के मध्य में अत्यधिक अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। इसके साथ ही बुध देव का तुला राशि में गोचर होगा, आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा जब ये गोचर होगा तो, और इसके कारण अक्टूबर से मध्य नवंबर तक आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी, जिससे आप अपने प्रियतम के साथ अपने मजबूत रिश्ते का खुलकर आनंद लेते दिखाई देंगे। खराब स्वास्थ्य आपके पेशेवर जीवन पर भारी पड़ सकता है, लेकिन ये परेशानी लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। इस वर्ष बृहस्पति 13 अप्रैल को मीन राशि में 11वें भाव में गोचर करेगा और 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में 8वें भाव में गोचर करेगा। 29 अप्रैल को शनि कुंभ राशि में 6ठे भाव में गोचर करेगा और 12 जुलाई को वक्री होकर मकर राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2022 कुछ चिंता लेकर आ सकता है। साल की अंतिम तिमाही में दोस्तों से मुलाकात, नए परिचितों और दिलचस्प घटनाओं के भी प्रबल योग बनते नजर आ रहे हैं। वार्षिक राशिफल 2022 के अनुसार साल के मध्य में वृद्धि की प्रबल संभावना है। गर्मियों में आपको घर के कामों में अधिक समय देना होगा और बच्चों की देखभाल करनी होगी और साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सावधान भी रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस समय अवधि के दौरान कन्या राशि के जातक रचनात्मक और सुखद लोगों के साथ संवाद करने, रचनात्मक विचारों और योजनाओं को लागू करने के अवसर से वंचित नहीं रहने वाले हैं। ये साल आपके लिए बड़ी उम्मीदें लेकर आने वाला है। ऐसा लगता है पैसा, संपत्ति, प्यार और सफलता, इस साल आपको सब कुछ नसीब होने वाला है। साथ ही आपको अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। इस वर्ष आपको कोई भी बात परेशान नहीं करेगी। अगर आप किसी काम में निराश हो जाते हैं तो इसका कारण आपके द्वारा कोई मेहनत ना करना होगा। कई लंबित गतिविधियों की शुरुआत के साथ वर्ष की शुरुआत काफी व्यस्त रहने वाली है, या आपके पास कई कार्य होंगे जिनमें से कुछ को शुरू करने की आवश्यकता है और अन्य जिन्हें अंतिम रूप देने की आवश्यकता है।
ये साल आपके लिए ढेरों अवसर लेकर आएगा। इस साल धन संपत्ति प्रसिद्धि और सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको अपनी कड़ी मेहनत का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। आप किसी भी मुद्दे के चलते चिंतित नहीं रहेंगे। यदि आप काम में निराश हो जाते हैं तो इसका कारण आपके द्वारा कोई मेहनत ना करना होगा। वर्ष के अंतिम तिमाही में आप अपने दोस्तों और नए लोगों से मिलेंगे और साथ ही आपके जीवन में बहुत कुछ नया और शानदार होने की संभावना है। जनवरी से मार्च के महीने में संचार, सूचना और नई चीजें सीखने का घर सक्रिय हो जाएगा। साल की शुरुआत में आपको विज्ञान और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। नए दोस्तों से आपकी दोस्ती होगी। सामाजिक क्षेत्र में आपकी स्थिति में वृद्धि होगी। इस साल आप शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। मई और जून के महीनों में आपको सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी परेशानियां दिक्कत में डाल सकती हैं। आप किसी पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को फिर से शुरू कर सकते हैं और आप अपने साथी, परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों या दोस्तों के साथ संवाद करने के तरीके में भी बदलाव लाने का विचार कर सकते हैं। आप अपने पुराने जीवन पर ध्यान केंद्रित रहेंगे, भले ही इसके चलते आपको समझौता ही क्यों ना करना पड़े। जुलाई और अगस्त के महीनों में आपका प्रदर्शन आपके सहयोगियों और वरिष्ठों के प्रदर्शन से जुड़ा होगा और आप उनके साथ कितने अच्छे हैं इस बात पर निर्भर करेगा। कन्या राशि के सिंगल जातकों को अगस्त के महीने में उनका सच्चा प्यार मिल सकता है और इस अवधि के अधिकांश समय के लिए आपकी भावनाएं बेहद ही तीव्र और मजबूत रहने वाली हैं। सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपके दोस्त और रिश्तेदार आपके लिए धन लाभ के लिए प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत साबित होंगे। आराम करने और विश्राम करने के लिए खाली समय का सदुपयोग करें। जीवन में सुचारू रूप से चलने के लिए यदि मुमकिन हो तो कोई छोटी ट्रिप प्लान कर लें। साल के अंत तक आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। लंबे समय तक प्रयास करने से बचें, साथ ही जितना मुमकिन हो आराम भी करें। दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें। साथ ही अपने बजट का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वित्तीय रूप से वर्ष के अंत में स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। ये सभी ज्योतिषीय आकलन आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो बंधुओं, ये था कन्या राशि का वीडियो पहला पार्ट 2022 के लिए। अगर आप अपनी राशि के बारे में, आपके प्रेम राशिफल के बारे में, करियर के बारे में, शिक्षा के बारे में, आर्थिक, पारिवारिक, संतान, विवाह के बारे में, व्यवसाय के बारे में, वाहन के बारे में, धन लाभ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरा पार्ट जो कि कन्या राशि के 2022 का दूसरा पार्ट जो कि कुछ दिनों बाद हमारे इस चैनल पर आएगा, आप उसका इंतज़ार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटी दबाना होगा और ऑल ज़रूर सिलेक्ट करना होगा, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो पब्लिश करें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो बंधु, हम मिलेंगे हमारे कन्या राशि 2022 के पार्ट 2 के वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।